दिस इज मी सुप्रीत, वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज हम देखेंगे ग्लिसरीन के फायदे और उपयोग हाथों और पैरों के लिए। इस चीज की काफी रिक्वेस्ट आ रही थी कि हाथों और पैरों को मुलायम बनाने के लिए कुछ टिप्स बताएं। एड़ियां बहुत ज्यादा फटी रहती हैं इवन गर्मियों के मौसम में भी, तो कैसे ग्लिसरीन को यूज करके आप अपने हाथों और पैरों को मुलायम बना सकते हैं, कौन से बेस्ट बेनिफिट्स होते हैं ग्लिसरीन के, ग्लिसरीन को किस तरह से आप यूज कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आपको ये मेरा स्किन केयर का वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक जरूर कर देना, और अगर आपको ये बेनिफिशियरी लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप मेरे आने वाली फ्यूचर वीडियोज को देखते रहें। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पर दिया गया है। तो अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। तो ग्लिसरीन के सबसे पहले हाथों और पैरों के लिए कौन से फायदे और किस तरह से आप ग्लिसरीन को उपयोग कर सकते हैं पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम हाथों की बात करेंगे। अगर आपको हाथों के ऊपर बहुत ज़्यादा टैन हो गया है या आपके हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई, रफ या खुरदरे रहते हैं तो इस DIY होम रेमेडी को ट्राई ज़रूर करें। इसको बनाने के लिए आपको बस लेना है 1 चम्मच ग्लिसरीन, जिसमें आपको डालना है 1 चम्मच नींबू का रस। 1 चम्मच नींबू का रस जो हमने डाला है वो मदद करेगा हमारी बॉडी से टैन को रिमूव करने के लिए। प्लस लेमन में विटामिन सी होता है तो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं तो स्किन को लाइटन करने में मदद करता है। और इसमें हम डालेंगे पहले 1 चम्मच नमक का आपको डालना है और फिर इसको मिक्स करना है। और अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप 1 चम्मच नमक का और डाल सकते हैं। और एक ये एक स्मूथ पेस्ट जैसा बनना चाहिए। इस पेस्ट के साथ आप अपने हैंड के ऊपर जेंटली सर्कुलर मोशन में स्क्रब करेंगे। आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट तक ही स्क्रब करना है और उसके बाद आप अपने हाथों को वॉश कर दीजिए सादे पानी के साथ। और इससे आपके जो हाथों की स्किन है, अगर आप इसको हफ्ते में 3 बार कर रहे हैं तो आपकी स्किन धीरे धीरे लाइटन हो जाएगी। प्लस इंस्टेंटली आपकी जो हाथों की स्किन है वो मुलायम हो जाएगी क्योंकि हमने इसमें ग्लिसरीन डाली है ना। अगर आपके हाथ में किसी तरह का कट लगा हुआ है तो नमक आप अवॉइड करें जब तक वो कट हील नहीं हो जाता, उसके बाद ही आप इस DIY को ट्राई करें। और अगर आपको नमक आपको लग रहा है कि आपको सही सूट नहीं करेगा तो आप बारीक चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर और सॉल्ट बहुत ही अच्छे बॉडी स्क्रब माने जाते हैं। अगर आप स्पाज वगैरह में जाएंगे तो काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं सॉल्ट और शुगर बेस के बॉडी स्क्रब्स। तो ये एक नेचुरल, एक यू नो नेचुरल तो नहीं बोल सकती बट एक ईजी सिंपल सा DIY है जिसके साथ आप अपने हाथों को इंस्टेंटली मुलायम बना सकते हैं ग्लिसरीन के इस्तेमाल से, और जिसके साथ आपकी जो स्किन है उसका टैन भी रिमूव हो जाएगा और स्किन एक्सफोलिएट भी हो जाएगी। अब बात करते हैं पैरों के लिए। ये जो सेम स्क्रब हमने बनाया है इसको हम अपने पैरों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पैर जो है बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं तो हफ्ते में 3 बार इस स्क्रब को आप अपने पैरों पे भी यूज़ कर सकती हैं। इससे आपके पैरों की स्किन भी सॉफ्ट हो जाएगी ना। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनकी एड़ियाँ गर्मियों में भी फटी रहती हैं तो आप अपनी फटी एड़ियों में 1 चम्मच ग्लिसरीन, उसमें आप 1 कैप्सूल विटामिन ई ऑयल का मिक्स करके इस पेस्ट को डेली अपनी फटी एड़ियों पर अप्लाई करें। ये आपको डेली करना है और अगर आप इसको लगातार करेंगे तो 1 हफ्ते के अंदर ही चाहे आपकी कितनी भी फटी एड़ियाँ हो, कितना भी इंटेंस क्यों ना हो, आप उसमें रिकवरी देखेंगे। आपको विजिबल रिजल्ट देखने को मिलेगा कि हाँ एड़ियाँ जो है वो अभी भर गई हैं, फिर से स्मूथ सॉफ्ट हो जाएंगी। तो अगर आपको फटी एड़ियों की प्रॉब्लम है तो आप ग्लिसरीन को अपने पैरों पे फटी एड़ियों को भरने के लिए इस तरह से उपयोग कर सकते हैं। सो ये था आज का एक सिंपल सा आसान से DIY वाला वीडियो जिसमें ग्लिसरीन को हाथों और पैरों में किस तरह से आप उपयोग कर सकते हैं, गर्मियों में भी ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने आपके साथ शेयर किया है। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी बेनिफिशियरी लगा है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।